बघीरा का ना मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भाई क्या होगा, क्योंकि जो भी हमें अडॉप्शन कॉल आ रही है वो आ रही है पंजाब से। हमें चाहिए कोई ठंडे इलाके से कॉल आए, जो एक व्यक्ति इसको ठंडे इलाके से अडॉप्ट करने को तैयार थे जब वो आए तो ये उनको थोड़ा सा डरा रहा था। तो हमें चाहिए कोई आए यहाँ पे, दो हफ्ते रहे, इसके साथ दोस्ती करे, इसको समझे, और जिसको बड़े कुत्तों की समझ भी हो। अब मुझे भी नहीं है बड़े कुत्तों की समझ, मैं किस तरह काम इसके साथ चला रहा हूँ, पर इसके साथ थोड़े अनोखे अनोखी प्रॉब्लम। अब जैसे ये रुक गया है, अब ये ना दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा ना आगे ना पीछे, अब ये यहीं खड़ा रहेगा, विचारेगा कुछ। मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा, सहलाऊंगा, थोड़ी देर बाद मैं इसको थोड़ा सा धक्का मारूंगा, फिर ये चलेगा। तो अगर ये नहीं होता अडॉप्ट तो हम भाई, अब तो गर्मियां आ रही हैं, अब यही करना पड़ेगा। जैसे मीमी हमारी भेड़, उसके बाल हम काटते हैं तो इसके सारे बाल काटेंगे और फिर यहीं पर काम चलाएंगे। चलो बघीरा चल यार चल, या तो हमने पहले नोटिस नहीं किया या ये हाल ही में, वो देखो इसके चलने में थोड़ा सा फर्क है एक लेग में। कल इसको मजल पहनाते हैं, नहलाते हैं, फिर इसके बाल काटेंगे। जब हम लोग इसके बाल काटेंगे ना, हम ये सारे बाल बचा लेंगे। आपको पता है डॉग के जो बाल होते हैं उनको भी आप वूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, तो जब कटने ही हैं तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। क्यों वगैरह अपने हेयर डोनेट करेगा तू? इसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद से ये जो इंटेस्टाइन का इतना पोर्शन है वो बाहर निकल चुका है। सर ये प्रेशर की वजह से निकला होगा ना इंटेस्टाइन, क्योंकि बाहरी तो कोई चोट नहीं है लेकिन इंटरनली जैसे टक्कर लगी होगी, प्रेशर से निकला होगा। कंडीशन बहुत क्रिटिकल है अभी, जो इंटेस्टाइन का एरिया वो बहुत इन्फ्लेम्ड है। फिलहाल तो हमने इसको पेन किलर दे दिया है, ब्यूटन दे दिया है, तो ब्लड सर्कुलेशन कम होता जा रहा है। फीवर भी कर रही है थोड़ा थोड़ा ना जी जी, मैं भी फास्ट हो रही हूँ पहले से। हार्ट रेट बढ़ रहा है, इमरजेंसी में हमने इसकी सर्जरी करनी है। कॉम्प्लिकेशन बहुत है क्योंकि डॉग कोलैप्स कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें साइनोसिस भी है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो इसको होगी होगी, और रिस्की सर्जरी है, पर हम रिस्क लेने को तैयार हैं, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे तो उसकी जान वैसे भी खतरे में ही है। तो अभी इसको हमने इंसिजन देके अंदर से, जहाँ से वो पोर्शन बाहर निकला वहाँ से पुश बैक करके सारा इंटेस्टाइन को अंदर करना पड़ेगा। और अभी तो सबसे पहला स्टेप होगा इसको अच्छे से वॉश करना है, ताकि कोई भी गंदगी वो अंदर तक ना पहुँचे। बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी गंदा पोर्शन अगर अंदर जाएगा तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे पहले इसकी सर्जरी हो गई, काफी ज्यादा टेम्परेचर लो था इस वजह से अभी डबल ब्लैंकेट और रेडिएटर के पास रखा है। और रही बात ये देखने के लिए कि भाई रात में अगर इसको पेन हुआ है और कोई दिक्कत शुरू होती है तो फिर ये फॉस्टरिंग में रहेगी ना मेरे पास। जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि भाई इसको वॉक पे मेरे अलावा और कोई नहीं ले जा सकता। नेहा इसको वैसे ग्रूमिंग वगैरह के लिए हैंडल कर लेती है, पर मेरा साथ होना जरूरी है। और बाहर आए तो मैं तो बिल्कुल ही साथ आता हूँ कि भाई ऐसा ना हो कि ये किसी को अगर बाय चांस पड़ गया तो कोई इसको संभालने वाला तो चाहिए। इसकी लीश पे भी आप देखो हमने ना वो कर रखा है। बघीरा रुकेगा भाई, ए भाई बघीरा सुन ले, कभी बात मान ली अगर। इसकी लीश पे भी हमने ये मेटल की एक वायर एक्स्ट्रा लगा रखी है, अभी जस्ट इन केस ये कुंडा टूट गया तो हालत खराब कर देगा ये किसी की। है ये बहुत ज्यादा ना प्रोटेक्टिव, अपने एरिया को लेके भी प्रोटेक्टिव है, पर अगर किसी फार्म हाउस में है तो ये वहाँ पे फिर अंदर किसी अनजान आदमी को आने नहीं देगा। दूसरा ये अपने पर्सन को लेके भी बहुत प्रोटेक्टिव है। उस दिन मुझे कोई पर्चा पकड़ाने लगा था तो इसने भाई उनका हाथ ही ऑलमोस्ट खा लिया था। मैं आपको कह रहा था ना ये कहीं भी अटक जाता है, कहीं भी। अब हम फार्म के अंदर आ गए हैं, अब ये ना पीछे जा रहा है ना आगे जा रहा है, ऑफकोर्स फिर जा। अरे हम अभी तो वॉक करके आए हैं यार, क्या कर रहा है भाई तू? गौशाला में इसने कल रात को बच्चा दिया था ना ये, उसकी वजह से इसको प्रोलैप्स हो गया था। हम टीटो सिटी करने जा रहे थे, फिर हमें डेली जाना पड़ता है, इसलिए हमने यही शिफ्ट कर दी इसको। प्रोलैप्स था इस गाय को, पर फिर जो लोकल डॉक्टर्स आए थे वहाँ पे सुबह, उन्होंने प्रोलैप्स इनको कर दिया। जब यहाँ आई तो प्रोलैप्स ही था। बच्चा दूध पीना चाहता है, फिर माँ है उसके पीछे टांग में वीकनेस है जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पा रही है, तो फिर बच्चे को दूध भी प्रॉपर नहीं पिला पा रही है। खड़ी हो चल, चल खड़ी वहाँ पर, चलो खड़ी हो जाओ, खड़ी होना ना, दूध पिलाना ना। उससे पिए नहीं जा रहा, उससे ज्यादा देर खड़ा भी नहीं जा रहा, वीक है ये, इसलिए हम सोचे निकाल के पिला देते। मुन्नी
उसको ना वायर लगी हुई है पेट में, वायर उसके पेट में कट के ना पूरा उसका जो अंदर के पार्ट्स थे वो थोड़े बाहर आ गए थे। फिर कल शाम को वो हमारी पकड़ में आई, फिर हमने उसको पकड़ के रखा हुआ अपने पास। मर तो नहीं गया कहीं? बाघ का पता नहीं लग रहा है, दिख नहीं रहा है। इसको सबसे पहले तो पेन किलर दे ही दिया, अभी सेडेशन के लिए इंजेक्शन लगे हैं। थोड़ा सेडेट हो जाए उसके बाद ही हम वायर ट्रैप को टच करेंगे, क्योंकि वो वैसे ही पेन में बहुत ज्यादा। जिसको नहीं आता वो वायर ट्रैप निकालने, वो तो बेचारा कोशिश भी करेगा तो खिंच जाएगा। ब्लड की वो बड़ी थिक से होनी चाहिए। अभी हम पहले इसकी एनएस और मेट्रो से पूरी अच्छे से फ्लश करेंगे, पूरा डेब्रिस वगैरह निकालेंगे। इंजरी काफ़ी डीप है, इसके जो एब्डोमिनल मसल है वो भी कट हो गए हैं थोड़े से। इसकी डिहाइड्रेशन है थोड़ी इसको, और इसकी वजह से इसने खाया भी नहीं होगा, थोड़ा पेन में होता है डॉग। तो हमें फ्लूइड थेरेपी देंगे इसको, थोड़ा स्टेबल करेंगे डॉग को। जिस डॉग को हमने कल रेस्क्यू किया था, जिसका इंटेस्टाइन बाहर निकल गया था और इमरजेंसी में हमें उसकी सर्जरी करनी पड़ी थी, वो होश में नहीं आ रही थी। करीब 2.5 घंटे तो बीत गए थे सर्जरी के बाद, फिर वो थोड़ा थोड़ा होश में आने लगी। जब वो आराम से सोई हुई थी तो नींद में ही फिर शी पास्ड अवे। आपने जाना है भटेज? हुआ क्या? तो बोल रहे हैं कि ऊंचाई से गिरा हुआ है ना, हाई बोल रहे हैं, पीछे के पैर काम नहीं कर रहे हैं, वो उनको टच नहीं करने दे रहा है, अग्रेसिव हो रहा है डॉग। बड़ा नीचे चला गया, कोई बंदर बोल रहे हैं, बंदरों ने मतलब उसको भगाया ना, नीचे चला गया खाई में, वहां से नीचे ना गिरा, ऊपर से चला गया डॉग। ये तो आइसोलेशन कैटेगरी वाला दिख रहा है मुझे। हाँ बच्चे हमारे गेट के पास एक छोटा सा पपी घूम रहा है, शायद उसको कोई छोड़ गया। ये तो बहुत छोटा है, क्यों डर लग रहा है? कैसे देख रहा है? अभी के लिए तो पपी को मैंने अपने ही रूम में रखा है। झिलमिल को इसके साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा है। मूली तो इससे डर के भाग रही है, क्योंकि मूली इसके खेल से परेशान हो चुकी है। आज उस डॉग को पकड़ने की कोशिश हो रही है जो हमारी पकड़ में नहीं आती। आज कैसे प्लान बन गया? ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमसे तो दूर दूर भागती है, साहिल को देख लिया तो पास में आती नहीं। ज्योति को चाहिए स्लिप लीड डाल दे। अरे यार स्लिप लीड हुआ, आपने जैसे नॉर्मल लीश कोई मतलब उसी के हैंडल में पिरो लिया तो ये फटाफट इसमें फंदे की तरह पकड़ सकते हैं। ये बहुत अटेम्प्ट हो गए इसको पकड़ने के। आप में से अगर कोई कैचिंग हैंडलिंग सीखना चाहता है तो आप हमें ईमेल करिए। अब हम हफ्ते में 2 बार स्टरलाइजेशन करते हैं और अराउंड 30 डॉग्स पकड़ते हैं, तो आपको हम ट्रेन कर सकते हैं। मतलब आई नो कि हम इस डॉग को नहीं पकड़ पाए, पर ये तो एक अलग ही केस है। बाय द वे आज से हम लोग अपनी मेडिकल हेल्पलाइन रीस्टार्ट कर रहे हैं। आज टेस्टिंग है, कल से हम लोग अपनी मेडिकल हेल्पलाइन दिन में 4 घंटे के लिए रीस्टार्ट कर रहे हैं। एक नई डॉक्टर हैं, डॉक्टर मिली, जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है खास इसी काम के लिए।